हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बकेवर, गाजियाबाद पुलिस की पूछताछ के बाद महिला के आत्महत्या के मामले और मिले सुसाइड नोट, और महिला ने हमें को निर्दोष बताया है। महिला ने लोकलाज से आत्महत्या का फैसला किया। सुसाइड करने वाली महिला ने सुसाइड नोट और डॉक्टर से दोस्ताना संबंध होना स्वीकार किया है, लेकिन डॉक्टर के लापता होने और उसका कोई हाथ ना होना बताया है। गौरतलब है कि गाजियाबाद पुलिस ने गाजियाबाद के लापता अशोक कुमार श्रीवास्तव के मामले और सर्विलांस से मिले एक फोन नंबर से बकेवर आकर एक महिला व उन सबके पति को हिरासत और लेकर पूछताछ की थी। बाद और पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया था। पुलिस की पूछताछ के बाद दूसरे दिन शुक्रवार को कस्बे की महिला ने शाम को घर और कुछरे और पंखे से फांसी लगा ली थी। महिला ने सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसे और उसने हमी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं होना बताया। महिला ने सुसाइड नोट और लिखा है कि गाजियाबाद के डॉ अशोक के साथ उनकी मित्रता हो गई थी तथा उससे फोन पर कई बार बात की थी, लेकिन चिकित्सक के लापता या अपहरण और उसका या उन सबके पति का कोई हाथ नहीं है। महिला ने लिखा कि डॉक्टर के साथ दोस्ती और बातचीत करने और उन सबके पति का कोई दोष नहीं है। सुसाइड नोट और लापता डॉक्टर से निकला संबंध गाजियाबाद पुलिस की पूछताछ के बाद महिला ने की थी आत्महत्या। फॉलो अप। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।